तो हाय गाइस, तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करने के लिए आया हूँ। शायद आप अग्री करो या ना करो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिया। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप एक सैमसंग का फ़ोन ख़रीदने के लिए सोच रहे हो अंडर द प्राइस रेंज ऑफ 30,000 और 35,000, तो यहाँ पर मेरा क्लियर आंसर होगा आप सैमसंग गैलेक्सी S21 FE स्नैपड्रैगन 888 वेरिएंट के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पर सैमसंग का जो S23 FE वेरिएंट है वो एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ आता है। और एक्सिनोस प्रोसेसर कौन सा दिया गया है, यहाँ पर आपको एक्सिनोस 2200 प्रोसेसर दिया गया है विच इज़ रनिंग ऑन 4 नैनोमीटर। तो यहाँ पर पास्ट में मैंने बहुत सारे सैमसंग के फ़ोन्स यूज़ किए हुए हैं जो एक्सिनोस में थे। वो फ़ोन में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यहाँ पर एक साल तो अच्छा से चल जाएगा, लेकिन एक साल के बाद यहाँ पर आपको एक्सिनोस प्रोसेसर में यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिलेगा, और वहीं पर आपको हीटिंग इशू भी देखने को मिलेगा, और एक साल के बाद लैग भी करना लगेगा। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिप हो जाएगा एक्सिनोस प्रोसेसर में। और यहाँ पर पर्सनली मैं सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का एक्सिनोस प्रोसेसर यूज़ करता हूँ, और मेरे कज़िन के पास है स्नैपड्रैगन का 888 वेरिएंट S21 FE का। तो यहाँ पर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ तो मुझे क्या महसूस हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्मूथ, थोड़ा ज़्यादा लैग फ्री मुझे लगता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का 888 वेरिएंट। वहीं पर मेरे पास जो एक्सिनोस वेरिएंट है उसमें बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलता है, मतलब कि थोड़ा कुछ हेवी टास्क करूँ तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। फ़ोन तो दोनों में हीट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लैग आपको एक्सिनोस वेरिएंट में देखने को मिलता है, तो वो एक बात है। और यहाँ पर आप बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, ट्विटर में जाके देख सकते हो, यूट्यूब में भी जाके देख सकते हो यूज़र एक्सपीरियंस। अभी से ही यहाँ पर एक्सिनोस 2200 जो कि है S23 FE में, वो अभी से ही लैग कर रहा है, अभी से ही बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग हो रहा है, अभी से ही बहुत ज़्यादा हीटिंग इश्यू हो रहा है अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो तो भी। वहीं पर आपको क्या ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, एक बड़ा डिफरेंस मिलता है, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स में। यहाँ पर आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है यहाँ पर S23 FE में। अभी 4 साल नहीं, अभी 3 साल है, क्योंकि 1 साल का अपडेट मिल चुका है इसे। और सैमसंग गैलेक्सी S21 FE में सिर्फ 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला, वही एक छोटा सा ड्रॉबैक है। और यहाँ पर बैटरी भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ ही देखने को मिला, उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, लैग फ्री एक फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, तो मेरा सजेशन रहेगा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 888 वेरियंट, ओके। और यहाँ पर कैमरा देखा जाए तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है S23 FE में। फिर भी अगर आप फ़ोटो लेते हैं तो किस में लोगे, यहाँ पर 12 मेगापिक्सल में डिफ़ॉल्ट होके आता है, उसमें ही फ़ोटो लोगे। और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दोनों में मिलता है, और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिलता है। तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी में आपको उतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ओके। तो और यहाँ पर स्नैपड्रैगन का जो ISP रहता है वो कैमरा के लिए और थोड़ा अच्छा से ट्यून्ड रहता है, इसलिए यहाँ पर स्नैपड्रैगन वेरिएंट के साथ जाना थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर आपको S23 FE ही ख़रीदना है तो आप यहाँ पर वेट करो, क्योंकि यहाँ पर जो S21 FE आया था वो पहले एक्सिनोस वेरिएंट में लॉन्च हुआ था, उसके तो 1 साल बाद यहाँ पर S21 FE का स्नैपड्रैगन वेरिएंट उन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो, S23 FE ही ख़रीदना है तो इसका जब स्नैपड्रैगन वेरिएंट आएगा तब आप ख़रीदो, उससे पहले ये एक्सिनोस वेरिएंट को आप अवॉइड कर दो, कुछ भी हो जाए अवॉइड कर दो। यहाँ पर आपका खुद का पैसा है, आप मेरा बात मत मानो, आप खुद रिसर्च करो, खुद रिसर्च करने के बाद आप एक अच्छा बाइंग डिसीजन ले लो, ओके। और यहाँ पर आप मुझसे मत पूछो कि A55 कैसा रहेगा, A35 कैसा रहेगा। सच में बताऊँ, एक्सिनोस प्रोसेसर जो भी फ़ोन में आता है वो फ़ोन को आप कम्प्लीटली अवॉइड कर लो, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक्सिनोस प्रोसेसर से मैं पूरा तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो से उतना ज़्यादा मदद नहीं मिला है, अगर आप मेरे बात से एग्री नहीं करते हो, तो यहाँ पर आप डिसलाइक भी कर सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप गाली भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।